हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर, जिसमें कि क्यू क्या है, पी क्यू आर ले लेते हैं, इसको छोटा कर देंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूँ, शायद से ये हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, लिखने का भी जगह रहे। ओके, यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर ले लेते हैं, बन जाए ट्राइंगल, बन गया, वेरी गुड। पी क्यू एंड आर, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू बोल रहा है 85 डिग्री, आर बोल रहा है 65 डिग्री, ठीक है। पॉइंट एस एंड टी, एस एंड टी आर ऑन साइड पी क्यू, एस यहाँ पे है एंड टी कहाँ पे है, पी आर पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी पी आर पे ले लेते हैं, ठीक है। सच दैट एस टी आर, एस टी आर, एस एंड टी, एस टी आर, ओके, एस टी आर, ये वाला एंगल बोल रहा है 95 डिग्री। ये 95 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 85। तो भाई अगर 85 हो गया तो अगर आप देखो तो ये पी क्यू आर इज सिमिलर टू क्या बन जाएगा, पी टी एस, कन्फर्म है, क्योंकि दो एंगल मैच कर रहे हैं। इसमें ये मैच कर रहा है पी एस टी, एंड पी क्यू आर में क्या मैच कर रहा है, पी टी में देखोगे तो टी एंगल 85 है, और पी क्यू आर में देखोगे तो 85 इसमें है। ये वाला एंगल दोनों में मैच कर रहा है, यानी कि पी क्यू आर में भी और पी एस टी में भी, तो हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, ठीक है। पूरे डिटेल मैंने समझा दिया, पूरा सिमिलरिटी ही समझा दिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि अब देखो तो पी क्यू का लेंथ भी दे दिया हुआ है, एकदम देना ही है, कोई गारंटी है तो देना है। इसके बाद से आपको पी टी का लेंथ निकालना है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। और एक चीज़, 9:5 का रेशियो दिया हुआ, यानी कि ये 9 और ये 5 होगा आपका क्यू आर एंड एस टी, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या हो जाएगा कि देखो, आप इसके सामने कंपेयर कर सकते हो, आप लिख सकते हो 5/9, यानी कि इस एंगल के सामने 5 है, इस एंगल के सामने बड़े वाले में 9 है, इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना। 85 के सामने अगर आप देखो, हमें क्या निकालना है, पी टी ना, चलो तो 85 अगर ये है, ये 85 है तो ये 65 होगा, गारंटी है इस चीज़ का, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, क्योंकि भाई ये तो कॉमन एंगल है। अरे 85, ये अगर इसमें 85 ये है और 65 ये है, तो इसमें 85 है तो ये 65 होगा, ये तो कन्फर्म, क्योंकि दो एंगल मिल जा रहा, तो तीसरा एंगल भी मिलना चाहिए। अब होगा क्या कि हमें पी टी निकालना है, तो पी टी 65 के सामने है, देखो तो पी टी डिवाइडेड बाई वो वाला स्कूल वाला पी टी नहीं, ये वाला पी टी, तो हो जाएगा 21.6 × 5/9, ओके, करेक्ट है, 21.6, ओके। तो पी टी का वैल्यू यही हो जाएगा, 21.5/9। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 7, 8, 5 × 5 = 6, 7, 8 एंड 10, 9 से कटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो 9 × 9 = 18, 12 इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं करा रहा हूँ, सेम पैटर्न पे एक और मैंने क्वेश्चन कराया जिसके जस्ट पीछे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।